करो ना। अभी बता नहीं सकता, वो क्या है उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ओह गॉड। और उसकी हालत बहुत खराब है, तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाकिर क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए। चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर रूस को ऐसा कुछ हुआ हो तो। कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ, हम सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो, है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। चलो अब सब घर चलते हैं। और हाँ, सब याद रखना अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोना। हाँ एक मिनट कोमल भाभी, गोलिया अभी आप दोनों अपने घर मत जाइए, क्योंकि वो पेशेंट खांसते खांसते आपके घर में गया था और अभी हमें पता नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। Right. और वैसे भी कोमल भाभी, आपके घर में जो पेशेंट गया वो यहीं पे कितना खांस रहा था, तो घर में तो उसने कितना खांसा होगा। हाँ Right. पता नहीं आपके घर में कितने जर्म्स होंगे। नहीं नहीं बबीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग एक काम करते ना, हम डॉक्टर हाथी का घर लॉक कर देते। हाँ ठीक है, कर दीजिए लॉक। और कोमल भाभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हमारे ये सोसाइटी में तो टेंशन हो गया। अपनी सोसाइटी में कुछ होगा तो नहीं ना। मैं अय्यर को घर पे बुला लेती हूँ, मैं भी रोशन को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, और हम सब लोग घर पे जाके नहा लेते हैं एक बार। हाँ। और कोमल भाभी आप कपड़ों की चिंता मत करना, मेरी एक दूर की कजिन है, उसके कुछ कपड़े मेरे पास पड़े हैं, उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर फिट हो जाएगा। हाँ, सारू सारू। थैंक यू। एक काम करना, आप अपने घर जाके इन्फॉर्म करना, तब तक मैं टप्पू सेन और अब्दुल हम सोसाइटी साफ करते हैं। वेरी गुड। हाँ चाचा जी, आप भी एक काम कीजिए ना, ना कि मेरे घर पर ही आ जाइए ना। हाँ बराबर। हाँ, तो चलो चलो चलो। सोसाइटी में आटलू टेंशन चाले छे, रोशन ने डायरेक्ट फोन करी दू बाबा। ओ यारा इंजन, तुम गड्डियों का हार्ट है, हार्ट यानी दिल, तू ना खुश रहा था। तू खुश रहता ना, पूरी गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। और जैसे रोशन डार्लिंग मेरा दिल है दिल, वो खुश रहती है ना, पूरा घर खुश रहता है, एकदम बढ़िया टाड़ा चाड़ा। एक मिनट यारा, पुत्री रोशन डार्लिंग की बात कर रहे थे, रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। आज तू हार्ट फीलिंग्स यार। तू एक काम कर, तू अपनी गड्डी से बात कर, मैं अपनी बोटी से बात करता हूँ। Hi Roshan darling, I love you too, I miss you too, I hate you. Roshan, तू मुझे hate करता है? ना, Roshan darling, मैं तुझसे बहुत 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 infinite प्यार करता हूँ। और तू कभी party shot ही नहीं करने देती, तो मैं तुझे पूरा hate करता हूँ। Roshan, Roshan, परिटी party shot ही नहीं बात, मेरी बात सुन, सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। बस सुनिए, कोई नई गल करना यार। रोशन, सॉरी सॉरी, की टेंशन हो गया। रोशन, सोसाइटी में एक मानस आया था, वो बहुत खांसते खांसते आया, और फिर अरे देव, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। ए ए ए ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, अरे भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हो, कहां जा रहे हो? डॉक्टर आती हो, डॉक्टर आती हो। देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आदि भाई, हा? क्या हुआ? कोरोना, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिर डॉक्टर हाथी उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। अरे रोशन डार्लिंग, तुम सब अपना ध्यान रखो, इस कोरोना नो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूं मैं अभी सोसाइटी। हाँ रोशन, तू जल्दी से धीरे धीरे आना। जल्दी से धीरे धीरे, ऐसी मतलब है सोनिया? मेरा मतलब है तू जल्दी से आना, पर गड्डी फास्ट नहीं चलाना, धीरे धीरे आना, आराम से, सेफली। हाँ और ठीक है जी, सेफ्टी फर्स्ट, मैं फटाफट गोकुलधाम आ रहा हूँ। रोशन, तू जल्दी जल्दी घेरा जाओ।
बबीता मैं गोकुलधाम सदरी में जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है, जल्दी क्यों आना है? आइए इतने सारे सवाल मत पूछो प्लीज, गोकुलधाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या किया जयदलाल ने या फिर टप्पू ने? अय्यर जेठाजी और टप्पू ने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर प्रॉब्लम कैसे हुआ? अय्यर सॉरी सॉरी बबीता, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखो क्या हुआ था ना, बबीता ये प्रॉब्लम तो बहुत टेंशन वाला है। हाँ। तुम मेरा एक बात सुनो, किसी से भी हैंड शेक नहीं करना है और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और घर में ही रहना, घर के बाहर मत जाना। मैं अभी बॉस से बात करता हूँ और फटाफट गोकुलधाम ससड़ी में आता हूँ। ओके ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके सर, एक इमरजेंसी है, अभी अभी मेरा वाइफ का फोन आया था, मेरे को अर्जेंटली घर पर जाना है। ठीक है, ओके ओके। अरे कोमल भाभी, आपको फिट हो गई ड्रेस? लगभग परफेक्ट है, थैंक यू। अरे ये वेलकम। आइए आइए चाचा जी, जेठालाल से बात हो गई क्या? अरे नहीं, मैंने उसे फोन किया था, तब बिजी आ रहा। अच्छा। फिर मैंने सोचा यही से कर लूंगा। मैं लगा देता हूँ। हाँ तू फोन स्पीकर पर रखना। जी जी। ये धनजी भाई का क्या मैसेज आया अभी? प्यारे जेठा भाई, कोरोना वायरस की वजह से धंधा मंदा है, पेमेंट 3-4 हफ्ते बाद भेज दूंगा। वाह, धनजी भाई भी मस्त, पेमेंट लेट देने के लिए अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है। कोरोना वायरस ने तो सबको धंधे लगा दिया है। वाह 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 मेहता साहब, सही टाइम पे फोन किया है भाई। क्यों क्यों क्या हुआ जेठालाल? अरे क्या हुआ क्या भाई, कोरोना वायरस की वजह से तो टेंशन टेंशन हो गया। जब से दुकान आया पूरा मूड ऑफ हो गया, जी करता सब यार दोस्त मिलके कुछ पार्टी सार्टी करते हैं आज। बापू जी आप, तुझे पार्टी सार्टी करनी है, पार्टी सार्टी करनी है, तुझे बस पार्टी सार्टी करने का बहाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बाबू जी, अरे मैं तो मेहता साहब के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। अरे क्या मेहता साहब, आप भी भाई आपको बताना चाहिए ना, फोन स्पीकर पे है, बापू जी भी सुन रहे हैं। ये मजाक वाली, ये सब मजाक मजाक छोड़ और तू अभी से अभी यहाँ गोकुलधाम आ जा। बापू जी मैंने बोला ना, मैं सच में मजाक कर रहा था, अभी उसके लिए आप मुझे गोकुलधाम बुला कर डांटना चाहते है? डांटना ये तो फोन पे डांट लीजिए ना। अरे भाई ये मुझे डांटना नहीं है, देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आदि भाई क्या हुआ? कोरोना, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और अल्टीमेटली डॉक्टर हाथी का घर भी लॉक कर दिया है, तो इसीलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम जरा चले आओ तो ठीक रहेगा। हाँ, तो अब आजा जल्दी गोकुलधाम। ठीक है बापूजी, मैं आता हूँ। हाँ नटो काका, आप और बाका जरा दुकान में आ जाओ। अच्छा वो पोपट को किसी ने बोला है कि नहीं? नहीं नहीं, पोपटलाल भाई को मत बताइए। क्यों क्यों कोमल भाभी? वो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं वो तो ठीक है कोमल भाभी, लेकिन अगर उसे ये पता चला कि सोसाइटी में ये सब कुछ हुआ है और हमने उसे नहीं बुलाया तो ज्यादा हंगामा होगा, ज्यादा टेंशन होगा। हाँ। नहीं, नहीं नहीं सर, बस पहुंच ही रहा हूँ, वो वीकली राउंड अप के लिए आया था यहाँ चांद चांदनी मैरिज ब्यूरो में, हर थर्सडे को आता हूँ। नहीं, नहीं नहीं वो तो मंडे को, हाँ मंडे को जोड़ी मिला है मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ। ट्यूजडे को KDLJ कुंवारे दुल्हनिया ले जाएंगे, वेडनेसडे तोता मैना और थर्सडे को इधर आता हूँ चांद चांदनी। 5 ही मिनट का काम है, खाली ऐसे पूछ लेता हूँ कि भाई कोई रिश्ता वगैरह आया है क्या, कई बार क्या है ना उनका फोन नहीं लगता तो मैं आके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं सर बस पहुंच रहा हूँ, 5 ही मिनट लगेंगे, लेट नहीं होगा। आया आया अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चांद चांदनी मैरिज ब्यूरो कोरोना वायरस की वजह से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा? बोलो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना नाम का वायरस आएगा और मेरी शादी में रुकावट लाएगा।
हेलो। हाँ पोपटाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ चांद चांदनी मैरिज ब्यूरो में आया था, लेकिन देखिए ना, कोरोना वायरस की वजह से मैरिज ब्यूरो अनिश्चित काल के लिए बंद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से मेरी शादी अटक जाएगी। मेहता साहब, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं भाई, दुख की तो बात है, टेंशन बड़ा है, लेकिन भाई गोकुलधाम में एक और बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हुआ? अरे हुआ ये पोपटलाल कि यहाँ पे तो मैंने कहा तुम्हें फोन करके बता दूं। मेहता साहब, ये तो बहुत बड़े टेंशन वाली बात है, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूं। नहीं 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 पोपटलाल, मैंने यही कहने के लिए फोन किया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जिस मैरिज ब्यूरो पर हो वहां से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, मतलब तुम्हारी प्रेस? यही पास में है। क्यों? तो फिर एक काम करो, तुम वहीं चले जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि यहां आओ। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी में इतना बड़ा टेंशन है और मैं अपने ऑफिस चले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूं। इस आफत की घड़ी में मैं अपने गोकुलधाम परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उनके साथ रहूंगा। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ठीक है ओके, आ रहा हूं। पोपटलाल आ रहा है, बैठिए बैठिए आप। हां हां, इसलिए मैं गोकुलधाम सोसाइटी जा रहा हूं। चलिए सेठ जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे वहां प्रसाद नहीं बट रहा है नटू काका, क्या हम भी आपके साथ चलते हैं? आप दोनों यहीं रहे, दुकान संभालिए। ठीक है सेठ जी, आप गोकुलधाम जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग दुकान संभालेंगे। हाँ सेठ जी, और गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे कहना कि कोरोना वायरस का ज्यादा टेंशन ना ले, अगर उनको टेंशन कम करना हो तो जमीन पे बैठे और लंबी सांस ले। ठीक है, समझ गया, अब मैं चलूं? यस यस, यू कैन गो नाउ। थैंक यू, चलो। नटू काका, पूरा गोकुलधाम टेंशन में होगा, पता नहीं अब क्या होगा। जल्दी, पानी बंद हो गया। क्यों पानी बंद हो गया? बंद कैसे हो गया? अरे गोली, पानी बंद नहीं हुआ, तूने पाइप पे पैर रखा है। ए, अच्छा ये देखो ना, अरे क्या कर रहा है? चलो अभी घर जाके नहा लेते हैं। गोलिया तुम अपने घर मत जाना। गोली तू मेरे घर आ जा। हाँ लेकिन कपड़े? मेरे कपड़े तो नहीं होंगे, लेकिन शायद पापा के कपड़े हो जाएंगे तुझे। जेठा के कपड़ों में कैसा लगेगा? हो गई सब साफ सफाई आराम से? साफ सफाई तो हो गई मेहता साहब, लेकिन हम लोग कितने सेफ है ये नहीं जानता। सो तो है बड़े, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मेहता साहब कि हमें आपातकालीन मीटिंग बुला लेनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे घर पे मीटिंग बुला लेते हैं, मैं सबको फोन कर देता हूँ। ठीक है, बोल दीजिए। हम लोग फ्रेश होकर ना अब्दुल भाई की दुकान से सैनिटाइजर लेकर आते हैं। वो दुकान पे स्टॉक खत्म हो चुका है, तुम लोग बाहर से लेकर आते हैं? तो बाहर से लेके आओ, लेकिन पहले नहा लो जाके। हां चलो चलो चलो, पहले बात में ना क्या बोल रहा हूं बारी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोरोना वायरस से ग्रस्त एक दर्दी पाया गया है। सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं बल्कि पूरे शहर, पूरे देश के हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। सरकार का सबसे अनुरोध है कि कृपया करके किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना तब तक अवॉइड करें जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत आवश्यक काम ना हो। सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी पब्लिक प्लेसेस जैसे सिनेमा घर, जिम, बीचेस आदि को भी बंद कर दिया है।
वहां पे जाना इस वक्त आप लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार का आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया करके आप स्वच्छता बनाए रखें, लोगों से सही मात्रा में दूरी बनाए रखें, हो सके तो हैंडशेक की जगह नमस्ते। अब देखना ये होगा कि गोकुल धाम में क्या होगा। गोकुल धाम निवासी तो इस वक्त अपने घरों में कुछ इस तरह से बंद हो गए हैं जैसे कि कैदी जेल में बंद हो जाते हैं। क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों का, क्या होगा हमारे शहर के लोगों का, क्या होगा भारत के लोगों का, देखते रहिए, कहीं मत जाइए। रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर मैं हूँ लाइव। हाथी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है, क्या हुआ होगा उस पेशेंट का? सब कुछ ठीक होना चाहिए। गोकुल धाम में टेरेस पे खड़ा हूँ इस वक्त अकेला। कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांति होगी, इतना सन्नाटा। कैद होके रह गए हम लोग, जिंदगी ने कैद कर लिया, क्या करें? काल का दिन है भाई, जिंदगी की रफ्तार थम गई। देखिए हमारी सोसाइटी को, कंपाउंड बिल्कुल खाली, जहां सब लोग खड़े रहते थे बातें करते थे, खाली पड़ा है। सुविचार लिखने वाला नहीं है, घर में कैद होकर रह गया। गोली कोमल भाभी मेरे घर में है, जेठालाल अपने घर में कैद है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है पंछी की तरह, लेकिन अपने परम मित्र से मिल नहीं सकता। हमेशा अपने उत्साह से सबको उत्साहित करने वाला सोढ़ी इस वक्त घर में कैद है। टप्पू सेना जब शोर करती, कई बार लगता है कि भाई पढ़ो, जाके घर में बैठो। आज लग रहा है कि घर में क्यों बैठो, बाहर निकलो। टप्पू सेना कंपाउंड में नहीं, मैं यहां खड़ा हूं। सोडा शॉप बंद, क्या करें, जिंदगी की रफ्तार थम गई, सब कुछ रुक गया है, थम गया। लेकिन ईश्वर करे ये सब कुछ जल्दी ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। इसके मुकाबला करना होगा हमें, कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक, चिंता कैसे दूर होगी, क्या होगा? दोस्तों ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्ति मिले, पूरी दुनिया में जो तनाव छाया है, जो भय छाया है, ये दूर हो, पूरी दुनिया खुशहाल हो, जैसे दुनिया हम चाहते हैं फिर से वैसी दुनिया बने, और बनेगी फिर से वैसी दुनिया यदि हम सकारात्मक सोच रखें। जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य। मन चुस्त और दुरुस्त है तो हम दुनिया के किसी भी संकट से मुकाबला कर सकते हैं, और इस संकट से भी मिलकर हम लड़ेंगे, हम सकारात्मक सोच रखेंगे और इस संकट से पार पाएंगे, निजात पाएंगे और दुनिया फिर से खुशहाल होगी। और ये सकारात्मक सोच ही तो हम गोकुलधाम निवासियों की ताकत है। हम लोग सकारात्मक सोचते, आइए हम सब मिलकर सकारात्मक सोचें ताकि दुनिया खुशहाल बने। और यहाँ गोकुलधाम में क्या नए हंगामे होते हैं जानने के लिए आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.